नमस्कार, बहस के नंबर वन शो ताल ठोके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूँ मैं शुभिका लियाकत। आज ताल ठोके शाम 5 बजे बहस इस मुद्दे पर करनी जरूरी है कि क्या भीड़ की हिंसा पर इंसानियत हारी और सियासत जारी। राजस्थान के अलवर में रकबर उर्फ अकबर की हत्या के 4 दिन बाद आज संसद में सियासी रोटियां सेकी गई। शुरुआत करूं और एक बहुत ही शानदार पैनल आज हमारे साथ है, उनसे आपका तारुफ करवाऊं। सुधांशु त्रिवेदी साहब आज हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, गृहमंत्री राजनाथ सिंह के राजनीतिक सलाहकार भी हैं, आपसे कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। इनफैक्ट कुछ ही सेकंड में हमारे साथ जुड़ेंगे अभय दुबे साहब, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय संयोजक है। बहुत बहुत स्वागत है दुबे जी आपका। सैयद असीम वकार साहब, प्रवक्ता है AIMIM के, युवा चेहरा है, मीडिया में AIMIM का पक्ष रखते हैं, आपका भी वकार साहब बहुत बहुत स्वागत है। सैफुल्ला साहब JDS के वरिष्ठ नेता हैं, उपाध्यक्ष भी हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ गीता भट्ट हैं जो कि संघ विचारक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं, जुड़ेंगी अभी। सोमनाथ सिंह रॉय हमारे साथ है, TMC के समर्थक, ममता सरकार की नीतियों का समर्थन करते रहे हैं। MS बिट्टा चेयरमैन है ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के और भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, आपका भी बेटा साहब बहुत बहुत स्वागत है। बेटा साहब मैं आज आपसे फिर शुरुआत करती हूं, आपने तो वो दंश झेला है, टेररिज्म ने किस तरीके से आपको खत्म करने की कोशिश की वो आपने देखी है, क्या आज की तारीख में मैं ये कह सकती हूं कि वही आतंक मॉब लिंचिंग के नाम पर हिंदुस्तान की सड़कों पर है? एक बात तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कह दूं, आतंकवाद की देन भी हम पॉलिटिशियन हैं और इसको समाप्त करने के जिम्मेदार भी हम पॉलिटिशियन हैं। बचपन से देखता आ रहा हूं, जब बचपन में निकला करते थे हम सड़कों पे सुबह 5 बजे, मेरी उम्र होगी उस वक्त 8 साल 9 साल होगी, मुझे याद है वो दिन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के तिरंगे को झंडे को हाथ में लेकर के अपने नौजवान छोटे बच्चों के साथ ये कहा करते थे, भारत माँ के 4 सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत एक धर्म नेक। मुझे वो नारे अभी तक याद है, कई मेरे दोस्तों ने नारे छोड़ दिए, पार्टी के लोगों ने नारे छोड़ दिए, मैंने उन नारों को नहीं छोड़ा। और हर चौराहे के अंदर जो बचपन में मैंने देखा है, कोई चौराहा ऐसा नहीं मिलता था हिंदुस्तान के अंदर जहाँ ये नहीं लिखा होता था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। हैरानगी की बात है, आज वो कहाँ होर्डिंग, आज वो कहाँ नारे, आज वो कहाँ सेकुलरिज्म की चीजें। और आज किसी मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, गिरजाघर जाओ, वहां हम बाद में जाएंगे, पहले हम नेताओं के आगे सिर झुकाएंगे, बड़े बड़े मॉडलिंग करके, उनकी मॉडलिंग करके उनकी फोटो के दर्शन करेंगे, फिर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाएंगे। अभी किसी चैनल वाले को कहो अभी जाके सारे हिंदुस्तान के टॉप के मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों को देख ले। ये हमारी राजनीति है, हम समाज के आदर्श हैं, समाज हमें देखता है। जब समाज हमें आपस में बंटवारे की तरफ देखता है तो समाज भी उस तरफ चल पड़ता है। जो नौजवान पीढ़ी है, नौजवान पीढ़ी को कुछ नहीं पता है, उसको पता है प्रथम राष्ट्र मेरा भारत महान, वंदे मातरम, भारत माता की जय, यह हमारा नौजवान कॉलेज के अंदर समझता है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। पर जब कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर राजनीति शुरू हो जाती, शिक्षा लेने वाले नौजवान, लेकिन बिट्टा साहब ये सिर्फ शिक्षा से जुड़ी हुई चीज भी तो नहीं है ना, आप कॉलेज पे मत जाइए, आप सड़कों पर देखिए। ये मेरे पास जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं, गृह मंत्रालय के आंकड़े हैं, 2014 से लेकर 3 मार्च 2018 तक 45 लोग भीड़ की तरफ से पीट पीट कर मार दिए गए, 28 साल का रकबर। आप इस देश में, मैं आपको बिल्कुल कहना चाहूंगा, इस देश में मजहब को आड़े लेते, मेरी बात सुनो, मैंने खत्म कर दे। अच्छा मैं आपको बताऊं, मैंने अपने घर में गायें रखी हैं, मेरे घर में कोई भी आता है मैं उसको लस्सी पिलाता हूं, मक्खन दूध हर चीज मिलती है। अरे गील गाय एक नाम होता है हिंदुस्तान में, मेरे ख्याल होगी 4,000। मैंने गुजरात में किसी से बात की मैं लाना चाहता हूं, पर मैं नहीं ला सकता हूं, क्यों? रास्ते में कौन किसको मारेगा, गायें समझेगा, गायें भेजिए, कोई तरीका नहीं है, कोई सिस्टम होना चाहिए। अब आप देखिए पंजाब के अंदर पिछले 2 साल से ये गायें के ऊपर जो राजनीति होती थी समाप्त होगी, पर ये तो अलवर के अंदर दूसरी बार होगी, तीसरी बार होगी। इनोसेंट लोग जा रहे हैं किसी काम के लिए, गाय का दूध तो आज हिंदू भी पीता है, मुसलमान भी पीता है, ईसाई भी पीता है, ये कौन सा तरीका शक के आधार पर किसी को कैसे खत्म कर सकते हैं? ये लोकतंत्र है, ये भीड़ तंत्र नहीं है कि आप यहाँ पर कोर्ट और कानून और उन सब को साइड में रखते हुए पीट पीट कर मार देंगे। सबसे बड़ी बात है कि उसके बाद
साथ हमारे साथ सिंगर रॉय साहब भी जुड़ गए और इस देश की खूबसूरती लोकतंत्र की आत्मा को भी जगजोड़ रही है। आखिर में बिट्टा जी 30 सेकंड, इनको सरोकार नहीं गो माता, राजनीति पॉलिटिक्स ये नहीं बोला जा रहा। अभय दुबे जी के हाँ मिल बैठ कर हम ये कानून लाने को तैयार है, भारतीय जनता आप लोग बस तमाशा देख रहे हैं, सारी पार्टियां एक सी। बिट्टा साहब बिल्कुल देखो, अरे इनको तो प्रचंड बहुमत बोलिए बेटा जी, मुझे फिर एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, जिस मुद्दे को लेके आप चले थे वो मुद्दा तो गैप हो गया, वो मुद्दा तो कहीं है ही नहीं। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां अपनी अपनी बात कर रही हैं। मैं एक बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहूँगा, काउंसलर हैं, MLA हैं, सरपंच हैं, MP हैं, उनके लाखों करोड़ों कार्यकर्ता हैं। हम समाज में, हम लोकसभा में, हम विधानसभा में शपथ लेते हैं सेकुलरिज्म की, आम लोगों की रक्षा की शपथ। हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम भी तो लगे हुए हैं अपने उस मिशन के अंदर, उन शहीद परिवारों के लिए, राष्ट्र के लिए हम भी तो लगे हुए हैं। मैं एक छोटी सी घटना बताता हूँ, 84 के दंगे हुए, मैं दिल्ली इंदिरा गांधी जी के लिए आया, मेरे साथ एक MLA था, शादरा में ट्रेन रुकी, पीला पटका बांधा था, चाय पीने के लिए ऐसे निकला, मॉब मेरी तरफ आ गया। अगर अंदर बोगी ना होती लक्कड़ की और हम नीचे ना बैठते और एक हिंदू लड़का बाहर था, पीछे आए लड़के कहता आगे गए, हमारा कह के आगे गए, वो ट्रेन को आग लगाने लगे, अगर ट्रेन ना चलती हम आग में जल जाते। मेरे साथ ये घटना हुई 84 के दंगों के ऊपर। आज देवेंद्र पाल सिंह बुल्लर जिसने मेरे पे हमला किया, ना केजरीवाल ने छोड़ा, ना कांग्रेस ने छोड़ा, ना किसी और पार्टी ने छोड़ा, ना अकाली दल ने छोड़ा। अब क्या हो रहा, अब अमरिंदर सिंह जी उसको बाहर निकाल रहे हैं और अकाली दल वाले बेअंत सिंह के कातिल को बाहर निकाल रहे हैं। ये क्या मजाक है? एक को अकाली दल छोड़ेगा आतंकवादी को, एक उसको छोड़ेगा। बिट्टा जी और उबिका जी, एक बात इन्होंने याद दिला दी, सुधांशु जी बिट्टा साहब ने, मैं ये भी कहना चाहूंगा, जब 60 कार सेवक गोधरा में भीड़ ने घेर कर पूरी बोगी में आग लगा के 60 लोगों को मार दिया था, तो वो कांग्रेस ने किया तो काम दोहरा रहे हैं। फिर आप नहीं कह सकते हैं कि हम अलग हैं, फिर आप कहिए कि भीड़ में हम भी वही हिस्सा है। इस देश की उस ताकत को मत तोड़िए अपने राजनीति के चक्कर में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, देखते रहिए जी।